पकड़ लूंगी। अरे मैं तो अपना ड्रेस चेक करना ही भूल गई। देखना आज युष्मा हमें घुमाने ले जाएंगे। अरे वाह, आज इतनी जल्दी उठ गई? युष्मा के साथ घर जाना है ना? ऐसा किसने कहा तुम्हें? युष्मा ने कहा था 48 आवर्स ओवर हो गए हैं। चले कहाँ? कोर्ट। आज हमको कोर्ट जाना है ना, और मैंने अपने बैग्स भी पैक कर लिए। उधर से मैं अपने घर चली जाऊंगी। रूही चुपचाप बैठो और अपना होमवर्क करो। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ, खा लो नाश्ता। नहीं मुझे नहीं खाना, मैं अब घर जाके युष्मा के साथ खाऊंगी। ये क्या है शीमा शीमा लगा के रखा है? It's giving me a headache. चुपचाप बैठो, मैं नाश्ता ऑर्डर कर रही हूँ। कर लो आप शाओ, ये आपका लास्ट टाइम है, मैं कभी आपसे नहीं मिलूंगी। तो कोई आया क्यों? भाभी को कॉल करके देखती हूँ। सुमी आपकी पार्टी नहीं है? आप बस आ रही हैं रास्ते में। वो पेपर अंदर सबमिट करने थे तो आप देख लीजिएगा। हाँ मैं रमन भाई को ट्राई करता हूँ। भाई भी फोन नहीं उठा रहे, कहाँ रह गए सब? What is the problem? रिंकी बुआ कैसा है मेरा बच्चा? युष्मा और पापा कहाँ हैं? बस आ रहे हैं रूही, they're on their way. देखो मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया, आज मैं आपके साथ घर चलूंगी ना। अरे वाह मेरी रूही बहुत स्मार्ट हो गई है ना मी। रूही तो हमेशा से स्मार्ट था, बस रिंकी बुआ को नहीं पता था, राइट? What nonsense! This is so unprofessional. Mr. Vora, ऐसे कैसे बीच में केस छोड़कर जा सकते हैं? मैम सर को कोई अर्जेंट काम याद आ गया। What is more urgent than this? उन्हें at least inform तो करना चाहिए था। मैम please don't worry, मैं हूँ। मैं उनके अगेंस्ट बार काउंसिल में कंप्लेन करूंगी। I'll see to it that something is done. Unbelievable. फिर क्या हो रहा है ये सब? एक बार कॉल करके देखो ना, कहाँ ये लोग? रुको एक सेकंड, don't panic. They'll be here, trust me. नहीं अभिषेक भी नहीं आया, I'm sure जरूर कोई प्रॉब्लम है। ट्राई करो। नहीं फोन उठा रहे। बढ़िया ही, अपनी प्रॉमिस को पूरा करने वाली। राधे, what's going on? क्या दोनों पार्टीज आ गई हैं? सर शगुन अरोरा यहाँ हैं और उनके काउंसिल मिस्टर अखिलेश भी हैं, लेकिन रमन भल्ला और अभिषेक नहीं है। Both are missing. Time waste हो रहा है। Sir, Mr. भल्ला को clearly इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I think we should adjourn the case. Don't you think? Your Honor, actually, हमारी फैमिली में थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी हुई है। They're on their way. Trust me, they'll be here. We are so sorry for wasting the court's time. Ishima! सॉरी मैं आने में देर हूं। कार्रवाई शुरू कीजिए। द अपील मिस्टर रमन भल्ला वर्सेस शगुन अरोरा फॉर द डिस्प्यूट ओवर द कस्टडी ऑफ रूही भल्ला। ओके मिस्टर अभिषेक, यू मे प्रोसीड नाउ। योर ऑनर, जो फाइल हमने अपील की थी कोर्ट में, इनका केस गलत बेसिस पे है। इस केस में कोई दम ही नहीं है। इन्होंने हमारे दिए हुए एग्रीमेंट में एक क्लॉज ऐड किया था बगैर हमें अपडेट किए। इट वॉज फ्रॉड। एज पर एग्रीमेंट इट इज नल एंड वॉइड। मेरे क्लाइंट मिस्टर रमन भल्ला, उनकी बेटी मिस रूही भल्ला की कस्टडी मिस शगुन अरोरा को ट्रांसफर करने के लायबल नहीं है। आपके पास फ्रॉड का कोई सब्सटेंशियल प्रूफ है? यस योर ऑनर। इशिता जी प्लीज। योर ऑनर, मैं हूं इशिता भल्ला, रूही की सौतेली माँ। अगर आप केस पेपर्स पे ध्यान से देखेंगे, पहले रूही की कस्टडी मुझे ही दी गई थी, मैं ही उसी की माँ हूं। इस बात पे किसी को भी शक नहीं होगा।
रमन और शगुन के इस पूरे कस्टडी केस में मेरी बेटी बुरी तरह से फंस गई है। मैं चाहती हूँ कि आज इस मामले को यहीं कहीं खत्म किया जाए। मैं अपनी बेटी रूही को लेने आई थी। किन सलाह मशवरा के बाद, डिस्कशंस के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि रूही रूही शगुन अरोरा के पास रहेगी। इस चेंज की कोई वजह? जिंदगी में चेंजेस आते हैं, बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। आदतें हैं हमारे पास, इसलिए हम चाहते हैं कि रूही शगुन के पास रहे। हमारे बीच में और कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं है। हम इस बारे में और वापस कोई बातें नहीं करनी है। क्या आपके ऊपर किसी तरह का दबाव या कोई प्रेशर तो नहीं है? नो योर ऑनर, कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे। ऑर्डर बेटा, काम डाउन प्लीज। इशिता जी, क्या आप श्योर हैं कि आप बच्ची को शगुन जी के पास रखना चाहती हैं? यस सर, आई एम श्योर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट इस इशू को और प्रोसीड नहीं करना चाहते। आई एम सॉरी। बेहतर होता कि आप लोग पहले ही ये सब डिसाइड कर लेते। आप लोग की कन्वीनियंस की वजह से ये केस फास्ट ट्रैक में डाला गया और अब ऑल ऑफ अ सडन आप लोग अपनी अपील कैंसिल करना चाहते हैं। वेरी सॉरी सर, आई अंडरस्टैंड कि कोर्ट को बहुत इनकन्वीनियंस हुई है, बट दैट्स द डिसीजन सर। हमने हमारा डिसीजन ले लिया है एंड वी वोंट बच फ्रॉम इट सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। इशिमा, मुझे अपने साथ ले चलो। चलो। मिस्टर अभिषेक, आपको कुछ कहना है? नो योर ऑनर। एंड मिस्टर अखिलेश, आपको? मिलॉर्ड, जब इन्होंने केस वापस ले ही लिया है तो नेचुरली रूही की कस्टडी मिस शगुन अरोरा को ही मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। चूंकि अपीलिंग पार्टी ने ऑलरेडी अपनी अपील कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की है, ये कोर्ट रमन भल्ला वर्सेस शगुन अरोरा फॉर द डिस्प्यूट ओवर द कस्टडी ऑफ रूही भल्ला केस में, ये अदालत लास्ट कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड रखती है। सो मिस रूही भल्ला की कस्टडी मिस शगुन अरोरा के पास एज प्राइमरी कस्टडियन रहेगी टिल बोथ द पार्टीज म्यूचुअली ट्राई टू डू अदरवाइज। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पापा, प्लीज, प्लीज पापा।